हेलो, आपका स्वागत है टेक्निकल यूपी स्मार्ट में। आज मैं एक वीडियो और लेके आया हूँ, जो कि आप किट देख रहे हो कि ये अमेज़न की किट है। तो आज इसमें किट के बारे में नहीं बताऊँगा, आज मैं बताऊँगा ड्राइवर कार्ड के बारे में और इसमें लगा जो आईसी है उसके बारे में। अगर आप आईसी मार्केट से बाई करते हो, खरीदते हो या लोकल लेते हो कहीं से, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रियल आईसी है या फेक आईसी है या डमी है? तो उसके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है ये, मुझे पहचान नहीं थी एक्चुअली। तो मैंने बाद में देखा कि ये वर्क नहीं करे, दो तीन मैंने लगा के देखे। ये जो ड्राइवर आईसी होता है, ये काफ़ी सारे कार्ड में लगता है, जैसे कि एमरॉन हो गया, जींस का हो गया, और एक्साइड का हो गया, और अपना वी गार्ड का हो गया। तो ये मेरे पास एमरॉन का कार्ड है, तो इसी तरह का कार्ड एक आता है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये वी गार्ड का कार्ड है, इस पे लिखा भी होगा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। और एक आता है जीनस का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखने में सेम लगते हैं। जीनस का कार्ड ये है, इसमें सेम आईसी लगे होते हैं, जो कि 33883 होते हैं। ये मार्केट में इजली अवेलेबल नहीं होते आईसी, काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है, इसकी 200 के करीब ये आईसी पड़ जाता है अच्छे वाला। तो ये मैंने आईसी डाल के देखा था, मैंने एक्चुअली जो मेरे पास थे, ये तो ख़राब हैं, बन हुए हुए हैं, तो ये मैंने निकाल दिए थे। यहाँ पे आप आईसी प्लेस कर दोगे तो आपका ड्राइवर कार्ड चल जाएगा, अगर आपके पास आईसी है तो। ये एक ड्राइवर आईसी था जो मैंने अपने कार्ड में डाल के देखा था, जब मेरे पास कार्ड अवेलेबल नहीं थे तो एमरजेंसी के तौर पे मुझे डालना पड़ा, पर ये वर्क नहीं करा। मैंने एक तो डाल के देखे पर वर्क नहीं करे। तो कुछ आईसी वर्क करें वो मैं आपको बताऊंगा कि चेकिंग आपने कैसे करनी है। इसमें लिखा भी हुआ है 33883, तो सेम सब पे लिखा होता है, फिर भी आप पहचान करनी आपको मुश्किल हो जाती है। तो आपने कैसे चेक करना है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। ये मेरे पास काफ़ी सारे आईसी हैं, नए हैं बिल्कुल, तो ये आपको चेक कैसे करने हैं वो बताता हूँ। सभी के नंबर 33883 हैं, पर ये वर्क नहीं कर रहे, इसमें से कुछ ही कर रहे हैं। तो ये मेरे पास आईसी की पिन आउट है, जैसे कि आप देख रहे हो, एक नंबर पिन वीसीसी से स्टार्ट होती है। तो ये आपको दिखा दूँ कि ये जो पॉइंट होता है ये एक नंबर होता है, तो आपने देख लीजिए, ये इसकी 20 पिनें होती हैं, एक नंबर ये होती है और ये होती है 11 नंबर, ये VCC होती है, और इसमें ग्राउंड होती है 9 नंबर, 12 नंबर और 14 नंबर। 9 और 14 आपस में कनेक्ट होती हैं, इससे ही आपको पता चल जाएगा कि आपका आईसी रियल है या डमी है या फेक है, कैसे भी। तो सबसे पहले आपने क्या क्या चेक करना है एक बार मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने चेक करनी है ग्राउंड आपस में कनेक्ट है कि नहीं, वो आप मल्टीमीटर से कनेक्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। एक नंबर ये हो गया, और दूसरा नंबर आपने चेक करना है ग्राउंड से एक बार कनेक्ट करनी है, और VCC से आपकी कुछ वैल्यू आएगी 500 से 600 के बीच। दूसरा नंबर ये हो गया, और तीसरा नंबर है 1 से 3 में चेक करनी है, आपकी वैल्यू आएगी 1500 के करीब। अगर आपकी वैल्यू कम आ रही है या नहीं आ रही, तो आपका आईसी ख़राब है या वर्क नहीं कर रहा या न्यू है आपका, तो सही नहीं है। पहली ये होगी, दूसरी मैंने बता दी ग्राउंड से VCC, और फोर्थ है VCC से ग्राउंड। ये आपने चेक कर लेनी है, मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे 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 चेक करनी है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फेक आईसी है। ये आपकी पिन डिटेल्स हैं, आपको मेरी वेबसाइट पे भी जाके मिल जाएगी, जहाँ बाई का ऑप्शन लिखा है 33883 का, वहाँ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हो, नहीं तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। तो अपने आईसी चेक करने के लिए आपको कंटिन्यू पे सेट कर लें मीटर अपना, और आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ कि ये मेरा आईसी फेक है, डमी है या कैसे। ये देखिए आपका एक ग्राउंड मैं चेक करूँगा, 9 नंबर पिन पे, 9 नंबर पिन कोई भी वायर लगा सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी, और यहाँ से जो कनेक्टेड है, यानी कि ये मेरा आईसी कनेक्टेड है, वर्क कर रहा है ये पिन। तो उसके बाद आपने दूसरा चेक करना है,
बीसीसी और ग्राउंड। जो 12 नंबर पिन है इस पे वैल्यू आएगी आपकी 600-700 जितनी भी आ सकती है, 500 से लेके, और उसके बाद बीसीसी आपने चेक करनी है। ये भी मेरी वैल्यू आ रही है 500 के करीब। उसके बाद आपने चेक करनी है 3 नंबर जो मैंने बताई है, 1 नंबर और 3 नंबर पिन पे। बाद में फिर से चेक करा देता हूँ इसको। ये देखिए वैल्यू आ रही है आपकी 1 नंबर और 3 नंबर, आपने चेक करनी है। 1 नंबर पॉजिटिव पे लगानी, 1 नंबर पिन पे लगानी है पॉजिटिव वायर, और 2-3 नंबर पे लगानी है नेगेटिव। ये देखिए मेरी वैल्यू आ रही है 548 कुछ। तो ये आपकी किसी भी हालत में कम नहीं आनी चाहिए, चाहे बोर्ड में लगा है यानी कि ड्राइवर कार्ड में लगा है या वैसे आईसी, तो आपकी 1500 के करीब आएगी। अगर आप, मैं आपको बोर्ड में चेक करके दिखाता हूँ, ये मेरा सही है आईसी जो लगा है, इसमें मेरी आएगी 1500 के करीब। देखिए अगर आपकी कम आ रही है या बिल्कुल नहीं आ रही तो आपका आईसी वर्क नहीं करेगा, इसको सोल्डर ना करें। जिससे आपने बाय किया है उससे बात करें, और अगर रिप्लेस करता है तो रिप्लेस करें। एक और नेगेटिव से हम कनेक्ट करेंगे, ये रहा, रुक नहीं रहा। 1 नंबर और 14 नंबर पे कर ले, चाहे 1 नंबर और 9 नंबर पे कर लें। 1 नंबर पे नेगेटिव लगानी है, पॉजिटिव लगानी है ग्राउंड पे, यानी कि नेगेटिव लगानी है बीसीसी पे। तो ये मेरा आईसी वैसे तो रियल था, पर ये इसकी वैल्यू कम आ रही है 1 और 3 नंबर पेन पे, तो ये इसलिए मेरा ये आईसी खराब है। तो इसके नीचे लिखा भी हुआ है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ताइवान लिखा हुआ है, अगर कैमरे में आता तो, मेड इन ताइवान का ये आईसी है। अगर आपके पास ऐसे हैं जहाँ आपको मिल रहे हैं तो आप ले सकते हो, ये वर्क करेंगे। ये अपनी बातें ध्यान में रखनी है, पहले ग्राउंड चेक करनी है, 2 नंबर ये करनी है, और 3 नंबर बात ये है कि 1 और 3 नंबर चेक करनी है, और 4 नंबर बात यह है कि बीसीसी और ग्राउंड में कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर आपका किसी हालत में बीसीसी और ग्राउंड शॉर्ट बोल रहा है तो आपका आईसी शॉर्ट है, यानी कि आपका आईसी हीट होने के चांसेस हैं, हीट होता होगा। इसकी वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ, जैसे कि 4 नंबर पे 500 से 600 रीडिंग आएगी, और 1 से 3 में 1500 आएगी, और 9 से 11 में 500 से 600 रीडिंग आएगी। ये मेरे पास जो दूसरे डमी आईसी थे, डमी बोल सकते हो आप, जहाँ रियल आईसी नहीं थे, जो इसको मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि कोई भी रीडिंग आपकी नहीं आएगी। पहले तो ग्राउंड ही चेक कर लें, ग्राउंड से ही पता चल जाएगा आपको 9 और 14 नंबर पिन से। ये 9 नंबर पिन और 14 नंबर पिन पर लगाई, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, किसी भी पिन पर नहीं आएगी, आपको मैं चेक करके दिखा भी देता हूँ। ये आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, कोई भी रीडिंग किसी भी पिन पे नहीं आ रही। तो ये इस कंडीशन में मेरा आईसी ये डमी है। उसके बाद दूसरा आईसी मैं चेक करता हूँ, 9 नंबर और 14 नंबर पिन पे अपनी ग्राउंड ही ओनली चेक कर लें, उससे ही पता चल जाएगा आपको, ये कोई भी वर्क नहीं करा। इसको चेक करके दिखाता हूँ, ये भी नहीं वर्क करा। तो ये आईसी सारे मेरे डमी के डमी है। इसको आप चेक कर लें, अगर आपको मार्केट में मिल रहे हैं कहीं से, अगर बोर्ड में लगा है उसको भी आप चेक कर सकते हो, जिसकी रीडिंग शॉर्ट बोल रही है या ना आए या कम आए उसको आप साइड रख दें, वो आपका काम नहीं करेगा। ये देखिए जैसे कि ये मेरा आईसी वर्क कर रहा है, तो ये मेरा आईसी रियल है, ये मैंने डाला था। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको आईसी कहीं से मिल रहे हैं तो आप पहले उससे कंफर्म कर ले बाहर से कि भाई वर्क करेंगे, रियल हैं आईसी। मुझे काफ़ी बंदों ने बोला कि मैंने आईसी खरीदे थे कहीं से पर वो वर्क नहीं करे। मैंने इस पे थोड़ी रिसर्च की और मुझे भी ये शॉकिंग न्यूज़ मिली कि मेरे आईसी भी कई ख़राब हैं, यानी कि वर्क ही नहीं करे, फेक हैं, डमी हैं। तो आपने ये सारा कुछ चेक कर लेना है पहले, तो जो जैसे जैसे मैंने बताया है रीडिंग आपने सारी चेक कर लेनी है, और 9 और 12 की रीडिंग भी आपको 600 के करीब आएगी। ये रियल की रीडिंग है, अगर आपका कोई डम्मी है तो उससे आपको कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगी। ये आपकी पिन की डिटेल्स हैं, आपको पीडीएफ
गूगल पे मिल जाएगी। अगर गूगल पे नहीं मिल रही आपको तो मेरी वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर आप 3383 में जाके चेक कर सकते हो। तो ये मैंने ड्राइवर कार्ड चेक करने के लिए एक वीडियो बनाई थी पहले कि अपने ड्राइवर कार और कंट्रोल कार कैसे चेक करना है, तो ये LEDs लगा के मैंने चेक करी थी, जिसमें आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वोल्ट चेक करने के लिए। जस्ट आपने क्लिक करना है उसमें और आपके LEDs चलेंगी। कार्ड में फीडबैक मिलने की वजह ना मिलने की वजह से आपका यानी कि ब्लिंक कर रहा है, कुछ टाइम के लिए आता है, कुछ टाइम के लिए जाता है, वो ओवरलोड के लिए चला जाता है। तो आपका ये कार्ड बिल्कुल सही है, अगर आपका ब्लिंक कर रहा है थोड़े थोड़े टाइम में तो आप इसको चेक कर सकते हैं और कंट्रोल कार्ड को भी चेक कर सकते हैं। आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो ये कार्ड चेक करने के लिए आपने कैसे बनाना है। तो इसमें कुछ भी टेक्निकली इतना कुछ नहीं लगाया है, ओनली जिंदर डायोड और LEDs और कुछ थोड़ा मोटा और पार्ट्स लगाया है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ड्राइवर कार्ड मेरे पास अवेलेबल हो गए हैं। अगर आपको किसी को बाई करना है, ये मैंने चेक कर लिए हैं, इस कार्ड में डाल के सारे वर्क कर रहे हैं, तो आपको मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट पे, जो कि वेबसाइट का नाम है TUF ऑनलाइन स्टोर। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, नहीं तो गो टू कर सकते हो TUFonlinestore.in डाल के, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगली वीडियो फिर लेके आऊँगा, आपका प्रवीण टेक्निकल UP Smart। Take care, guys.